हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज का जो ये व्लॉग होने वाला है एक फूडी व्लॉग होने वाला है और आज हम ये मेरी फेवरेट डिश ट्राई करने जा रहे हैं जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी ज़्यादा आपको मैं खुश नज़र आ रहा हूँ, फेस पे अलग ही टाइप की स्माइल होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। हमने सारी चीज़ें बिरयानी बनाने के लिए रेडी कर रखी है और प्रिपरेशन कर लिए। अभी अपने किचन की ओर जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या प्रिपरेशन हो गई है। और गाइस आपने कमेंट करके जरूर बताना आपकी फेवरेट डिश कौन सी है और नेक्स्ट टाइम हमें क्या ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिरयानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसको मतलब अगर इसकी मुझे चाहल हो गई तो जब तक ये मैं ना खाऊं तब तक कंट्रोल नहीं होगा। जब तक मन को शांति नहीं होती, मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती, आत्मा तृप्त नहीं होती। तो आज ट्राई करने जा रहे हैं। और ऐसी आपकी भी कोई फेवरेट डिश होगी जिसको मतलब आपको ना मिले, बाहर ना मिले, तो आप घर पे ही पकाओगे और खाओगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने किचन की ओर बढ़ते हैं और पकाते अपनी बिरयानी। तो अपना सामान सभी रेडी, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमारा सामान है। हमारे कुछ चावल हमने भेज के रखे हुए थे, इधर प्याज कटी हुई है, थोड़ी सी हमारी सोयाबीन है, आलू, मटर और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया और ये खड़े मसाले। अब इस चीज़ का हम कॉम्बिनेशन आपको दिखाएंगे। तो गैस की ओर बढ़ते हैं और वहाँ पे हम एक एक चीज़ को डालते हैं, पकाते हैं अपनी बिरयानी। ओके, सबसे पहले हमने अपने कुकर में ऑयल डाल लिया है, इसको गर्म कर लेता थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम अपनी जो सोयाबीन है इसको हम पकाएंगे, मतलब फ्राई करेंगे और उसको फ्राई करने के बाद अलग निकाल लेंगे। ओके गाइस, अपनी जो सोयाबीन है वो फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑयल में डालेंगे खड़े मसाले, तो इनको थोड़ा सा पका लेते हैं हम अपने खड़े मसालों को। और उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अपनी प्याज जो कटी हुई है, बारीक बारीक नहीं मतलब मीडियम साइज़ की कट की है हमने। और खड़े मसालों के साथ हम अपनी प्याज को थोड़ा सा पका लेते हैं। इसके बाद हम अपने डालते हैं इसमें आलू कट करके और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं और अभी थोड़े टाइम बाद हमने इसमें अपनी सोयाबीन भी ऐड कर दी है। अभी हम इसमें डालते हैं अपना बिरयानी मसाला, ये आपको बिरयानी मसाला के नाम से मिल जाएगा, इसका हम छोटा सा पैक ले आए थे। बिरयानी मसाले के बाद हम इसमें डालते हैं अपना धनिया पिसा हुआ और उसके बाद रेड चिल्ली पाउडर अपना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना मिर्ची डाल सकते हैं, आपको कितनी मिर्ची चाहिए, ज़्यादा मिर्ची आपको तितर भी बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से डालना मिर्ची। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी। इसके बाद हम डाल रहे हैं अपना नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितना नमक डालना आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा कम जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा सा दही, दही भी हमने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो रसोई में दिखाए थे साइड में रखी रह गई थी, बताया नहीं था, लेकिन इसमें दही भी ऐड होगी। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जो भी हम सामान डाल रहे हैं इसमें। इसके बाद अपना हरा धनिया, ओके, फिर से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी टाइम आ गया, अपने चावल भी हम ऐड कर देते हैं जो हमने भिगे हुए रखे थे, भिगो के रखे हुए थे काफ़ी टाइम से रसोई में। ओके, पूरे साफ कर लेते हैं अच्छे से, चावल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि मसाले वगैरह सब मिक्स हो जाएं चावल के साथ। और कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, इसमें थोड़ा सा दूध भी डलेगा, ज़्यादा नहीं, ये मतलब आधी कटोरी के करीब। और उसके बाद पानी डालकर हम थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद फिर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ा वेट करेंगे। लगभग हमें सिर्फ 2 सीटी लगानी होगी। तो पहले मिक्स कर देते हैं, फाइनल लुक कुछ ऐसा रहा, अभी ढक्कन लगा देते हैं। ओके, लेट्स वेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस अपनी बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी है, अब सर्व करने का टाइम आ गया। इसको हम जो लाल चटनी होती है टमाटर की उसके साथ सर्व करेंगे, नींबू के साथ, और लास्ट फिनिश कुछ इस तरह की आ रही है। एक प्लेट मैंने तैयार की है, ये रही अपनी प्लेट, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बिरयानी बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म भाप अभी भी निकल रहे हैं इसमें से। सो गाइस ये जो बिरयानी की अपनी रेसिपी थी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा ईजी थी, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ 2 सीटियों का खेल था। और अपनी बिरयानी बनकर तैयार, हमने आपको दिखा दिया इंग्रेडिएंट्स जो हमने यूज़ किए हैं, सिर्फ आपको वो तैयार करने हैं, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है बिरयानी। ओके, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये बिरयानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना,
दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।